अब हम इसको आगे पढ़ना है, स्ट्रक्चर आपने चेक कर लिया, यानी एम्ब्रियो स्पर्म में जो फ्लावर होते हैं उन फ्लावर में क्या क्या संरचनाएं होती हैं। तो कोई भी फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है, यानी किसी भी स्पोरोफाइट में जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉडिफाइड शूट होते हैं, और उस स्पोरोफाइट में जो किसी भी स्पोरोफाइट में देखिएगा तो आपको रूट, स्टेम एंड लीफ आपको दिखाई देगा। तो हम लोग को पढ़ना है फ्लावर, तो किसी भी स्पोरोफिटिक स्टेज में आप देखेंगे आपको रूट, स्टेम एंड लीफ दिखाई देगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए आप देखिएगा कि जब रिप्रोडक्शन शुरू होगा तो उस रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल और फीमेल ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। तो जो पौधे होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वो सेम पुष्प होते हैं, इसलिए इसको बाईसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए तने पर बहुत सारे पुष्प उत्पन्न होते हैं, उन पुष्पों में जो उसका क्रम है वो इस तरह होता है, यानी कि पुष्प के जितने भी उसके चाहे वो जनन अंग हो चाहे उसके सहायक अंग हो वो सभी एक क्रम में स्थित होते हैं। तो वही ये सब जितने भी पुष्प के जितने भाग हैं वो सभी क्या है, मॉडिफाइड शूट है, यानी कि शूट के रूपांतरित रूप है। क्या है, मॉडिफाइड शूट है। किसी भी फ्लावर को हम देखेंगे तो हमको चार चक्र, यानी कि चार चक्र में स्थित होते हैं। किसी भी पुष्प में आप देखेंगे तो वो चार चक्र में स्थित होते हैं। पहला होता है कि पहले, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा डाइड्रोसियम। जो हेलिक्स है उसको हम बाय दल और पुंज करते हैं, बाह्य दल पुंज, और इसके एक यूनिट को हम सेपल करते हैं, सेपल यानी बाह्य दल। उसी तरह करोला है, करोला को क्या कहते हैं, दल पुंज, या इसके एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, पेटल, दल। क्लियर है। उसी तरह से एंड्रोसियम है तो इसको उमंग कहते हैं, उमंग। और जो गाइनोसियम है उसको हम क्या कहेंगे, जाया। तो किसी भी स्पोरोफाइटिक स्टेज में आप देखिएगा कि जो पुष्प है वो पुष्प एक मॉडिफाइड शूट है, यानी कि वो एक शूट का रूपांतरित रूप है। आप 11 में ही पढ़े थे उसमें, तो बहुत सारे डिटेल देकर आपको बताया गया था कि जो पुष्प है वो सभी उसके मॉडिफाइड शूट हैं, उसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। तो एक फ्लावर में यानी अगर वो यानी कि वो हर्मा प्रोडक्ट या बाइसेक्सुअल पुष्प है उसमें आपको चार भाग मिलेंगे, यानी कि ये चार चक्र में स्थित होते हैं। जो कैलिक्स होता है
यूकेरियोट्स क्या है कि उस पुष्प का पहला चक्र है यानी प्रथम चक्र है उसको यानी कि प्रथम चक्र कोरोला जो है वो क्या है सेकंड वर्ड है यानी कि द्वितीय चक्र है कैलिक्स जो होता है वो कैसा है कि हमेशा ग्रीन कलर का होता है और इसमें बहुत सारे जो सेपल्स हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं कैलिक्स यानी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सेपल्स का एक वॉल यानी गुच्छा मिल करके वो क्या बनाता है कैलिक्स बनाता है यानी बहुत सारे बाह्य बल मिल करके वो क्या बनाते हैं बाह्य बल कुंज बनाते हैं तो इनमें संख्या इनकी अनेक हो सकती है उसी तरह से जो कोरोला है वो कोरोला क्या है कि उस पुष्प का द्वितीय चक्र है यानी कोरोला में भी यानी जो पंखुड़ियाँ हैं उनमें संख्या भी ज़्यादा होती है तो उसके एक यूनिट को क्या कहेंगे मीटर यानी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे दल मिल करके वो क्या बनाते हैं दल कुंज बनाते हैं तीसरा चक्र क्या है एंड्रोसियम एंड्रोसियम को हम क्या कहते हैं कुमंग कहते हैं तो कुमंग में ये क्या है किसी भी पुष्प का जो एंड्रोसियम है वो क्या है नर जनन अंग नर जनन अंग है तो इस एंड्रोसियम में बहुत सारे क्या होते हैं स्टामेंस होते हैं स्टामेंस यानी इसको क्या कहेंगे पंक्चुएशन मतलब एंड्रोसियम है किसे बहुत सारे स्टामों से मिल करके बना होता है और ये क्या होते हैं ये किसी भी पुष्प के नर जनन अंग होते हैं उसी तरह से गाइनोसियम है तो गाइनोसियम को क्या कहते हैं जाया या जाया को क्या कहेंगे ये चौथा चक्र है और क्या है कि इसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं पिस्टल्स होते हैं इसको हम क्या कहेंगे कार्पेल और पिस्टल पिस्टल इसका मतलब क्या हो गया कि जो गाइनोसियम है वो गाइनोसियम किसी भी पुष्प का मादा जनन अंग है अब उस गाइनोसियम में बहुत एक या कह सकते हैं एक या एक से अधिक अधिक कार्पेल या पिस्टल्स होते हैं इसको हम अंडाशय या स्त्री केसर भी कहते हैं समझ में आ गया होगा कि किसी भी पुष्प में जैसे हम मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे बनाएं ये होता है थैलेमस यही आपका क्या है कैलिक्स ये आपका क्या है कोरोला
ठीक है आपका एंडोस्पोर, और ये क्या आपका गायनोस्पोर। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पुष्प है वो क्या है मॉडिफाइड सूट है, और उस सूट में जो इनके जो सहायक अंग हैं चाहे जनन अंग हैं वो एक क्रम में स्थित होते हैं, यानी उनका एक क्रम। तो आप फर्स्ट क्रम को देखेंगे यानी पहला क्रम क्या है कैलिक्स है, तो यही क्या है आपका कैलिक्स है, यानी कि ये पहला चक्र है, ये क्या है कैलिक्स है, यानी कि बहुत सारे क्या है बहुत सारे क्या है सेपल्स जो है वो मिल करके क्या बनाते हैं कैलिक्स बनाते हैं। फिर जो दूसरा चक्र है वो क्या है कोरोला, कोरोला यानी इसमें कोरोला की जो संख्या होगी उसमें सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे कि पेटल कहेंगे, बहुत सारे पेटल्स मिल करके क्या बनाएंगे कोरोला, यानी ये इसी भी पुष्प का दूसरा चक्र है। तीसरे चक्र में क्या है एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम जो है वो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि ये नर जनन अंग है, और इसमें जो स्टैमेंस होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, और ये होता है आपका ओवरी यानी कि गायनोसियम। यहाँ से लेकर ये पूरा गायनोसियम है, और उस गायनोसियम के अंदर क्या है ओव्यूल है। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को अब ये देखना है कि ये कैलिक्स और जो कोरोला है वो क्या है सहायक यानी कि एसेसरी ऑर्गन है, और जो एंड्रोसियम और गायनोसियम है वो क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि नर और मादा जनन अंग है। यही क्या है ये जो है यही कैलिक्स है, यानी कैलिक्स का जो संरचना है वो इस तरह से बन जाता है कि वो किसी भी विकसित होकर पुष्प को क्या करते हैं प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और साथ ही साथ हरा होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे उनको पोषण मिलता है। दूसरा क्या है कोरोला, यानी कोरोला के एक यूनिट को क्या करेंगे पेटल, पेटल, और ये पेटल है वो कैसा है सेकेंड वर्ल्ड है, यानी कि दूसरा चक्र है, और ये हमेशा क्या है प्रदत्त होते हैं यानी हमेशा रंगीन होते हैं। रंगीन होने का मतलब क्या होता है कि ये
रसी हमने कम कर क्या किया, इन हमेशा क्या है अट्रैक्शन करता है, इसको क्या इंसेंट, यानी कि जो कोरोला है वो कोरोला हमेशा रंग बिरंगे और ज्यादा बढ़ती के होते हैं, इसकी वजह से क्या है कि कोई भी कीट पतंग जो होते हैं उन्हीं कोरोला को देख करके आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया में सहायता करते हैं, यानी कि पॉलिनेशन। तीसरा क्या है एंड्रोसियम, यानी कि इसमें बहुत सारे क्या होंगे स्टामेंस होंगे यानी पुंकेसर होंगे और ये कैसे तीसरा चल रहा है यानी कि थर्ड यानी कि ये तीसरा चल रहा है और इसमें क्या होंगे बहुत सारे स्टामेंस और ये क्या है इसको हम क्या कहें कार्पेल या पिस्टल और ये क्या है फोर्थ वर्ल्ड और ये क्या है कि मादा जनन और ये क्या है नर जनन। समझ में आ गया आपका कि कैलेक्स क्या है पहला चक्कर है और इस कैलेक्स में बहुत सारे सेपल मिल करके वो कैलेक्स बनाते हैं और कैलेक्स हमेशा हरे रंग का होता है और इसकी बनावट इस तरह से होती है कि वो पुष्प के अन्य जो भाग हैं उनको चारों तरफ से घेरे रखता है तो हरा होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है और साथ ही साथ पौधों में जो अंदरूनी भाग है उनको प्रोटेक्शन देता है। दूसरा क्या है कोरोला, तो कोरोला में बहुत सारे क्या है पेटल्स मिल करके कोरोला बनाते हैं और वो सेकेंड वर्ल है यानी द्वितीय चक्र है और वो जो कोरोला होते हैं हमेशा क्या होते हैं रंग बिरंगे और भड़कीले होते हैं क्योंकि जितने ही ज्यादा पुष्प कलरफुल होगा उतने ही क्या है दूर से ही कीट उसकी तरफ आकर्षित होंगे और परागण क्रिया में सहायक। तीसरा क्या है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में बहुत सारे क्या होते हैं छोटे छोटे स्टामेंस होते हैं यानी कि उसके में जनन अंग होते हैं और उसी स्टामेंस में अब इसके आगे संरचना बनाएंगे उसी स्टामेंस में क्या होते हैं परागकण बनते हैं। और चौथा क्या है यानी चौथा चक्र क्या है गायनोसियम, गायनोसियम क्या है कि मादा जनन अंग है और वो बहुत एक या एक से अधिक स्टील या कार्बन से मिलकर के बनता है। अब इसमें देखिए कि ये जो दोनों हैं यानी कि कैलिक्स एंड कोरोला ये क्या है सहायक, सहायक और एंड्रोसियम और गायनोसियम जो है वो जनन। अब क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों क्या है कि सहायक अंग है और ये दोनों क्या है इसके जनन। अब हमको इसमें एंड्रोसियम और गायनोसियम की संरचना देखनी है। अगर
दूसरे को देखा जाए तो इसमें तीन भाग होते हैं, एक होता है कनेक्टिव फिलामेंट और एंकर। अगर हम ऐसे बनाए तो ये क्या है, एक स्टामेन, एक स्टामेन में एक तंतु जो संरचना है यही क्या है फिलामेंट, और ये क्या है आपका एंकर। और इस एंकर को और फिलामेंट को जो जोड़ने वाली संरचना है ये ग्लॉमेरुलस है, यही क्या है कनेक्टिव, यानी एक स्टामेन की ये संरचना है। अब ये जो एंकर है यानी इन्हीं को हम पराकोष भी करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो जो एंकर होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं, यानी कि अगर उसका सेक्शन काटा जाए उसको उसमें आपको चार चैम्बर मिलते हैं। तो जिन जिन एंकर में यानी जिन पुष्प मतलब ऐसे पुष्प जिनके स्टामेंस में जो एंथर है उन एंथर्स में जो लोब्स की संख्या अगर दो है तो हम उसको डाइजिगस कहते हैं, अगर एक लोब होगा तो उसको हम मोनोथिगस कहते हैं, यानी कि एक एक लोब होगा तो उसमें दो चैम्बर होंगे और दो लोब होगा तो उसमें चार चैम्बर होंगे और इन्हीं के अंदर परागकण बनते हैं, ठीक है ना। यही आपका हो गया एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में तीन पार्ट हुए, कनेक्टिव फिलामेंट और एंकर, समझ में आया। तो जो एंकर है वो एंकर एक या एक से अधिक हो सकते हैं और ये क्या है नर जनन अंग है और इसमें क्या बनते हैं पॉलन, यानी ये जो एंथर है आप इसी का समझना आपको पढ़ना है आगे चल करके, यानी कि इस एंथर को हम लोग काटेंगे यानी इस तरह से आप देखिएगा यही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। यानी ये क्या है कि साइक है और इस साइक में बहुत छोटे छोटे क्या है पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। तो जो स्टामेंस है उसको क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है ना। स्टामेंस कहिए या माइक्रोस्पोरोफिल कहिए, उस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, या इसको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि गाइनोसियम क्या है, ये कैसा है मादा जनन अंग और इसमें एक या एक से अधिक क्या होता है कार्पेल, या इसको हम पिस्टिल कहते हैं, और इसमें भी तीन भाग होते हैं यानी कि स्टिग्मा स्काई और ओवरी। अब इसको ऐसे देखें,
यही क्या है कि ये ऊपर का जो चपटा वाला भाग है वही स्टिग्मा है, और ये नाभि तो समझता है यहाँ से यहाँ तक यही क्या है स्टा है, और ये जो खुला हुआ भाग है वही ओवरी है। तो जो गाइनोसियम है उस गाइनोसियम के तीन भाग हुए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल स्थित होता है। यही क्या आपका ओव्यूल है, और ये क्या पुष्पाशन है, थाइलस। तो क्लियर हो गया होगा कि जो गाइनोसियम है उस गाइनोसियम में तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। समझा क्या होगा, अब अलग अलग पुष्पों में ये जो स्टिग्मा है इसकी संरचना अलग होती है। जैसे आप गुड़हल की संरचना देखें तो गुड़हल में क्या होता है कि जो उसका स्टिग्मा है वो ऊपर जा करके पांच भागों में बढ़ जाती है, और फिर यहाँ से ये नाल हो जाती है, फिर यहाँ से इसका थैलमस कहते हैं, यहाँ से उसका कैंडिक्स हो जाता है, यहाँ से उसका कोरोला आ जाता है, और इस पे बहुत सारे सारे बहुत ढेर सारे क्या होते हैं स्टामेंस लगे रहते हैं, और वो स्टामेंस क्या होता है कैंसर होते हैं इसमें, और आपका कर्ण स्थित होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एंड्रोसियम है उसके भी तीन भाग थे, क्या था, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंकर। अब एंकर के अंदर जो एंकर है उसी के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेड, या इसी को हम कहेंगे माइक्रो और जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम क्या होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है एम्ब्रियो, यानी कि इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है हमको वही पढ़ना है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरी यानी माइक्रो यानी कि सूक्ष्म बीजाणु जनन, और मेगा यानी कि दीर्घ बीजाणु जनन। तो दीर्घ बीजाणु जनन में हम लोग इस ओव्यूल की संरचना पढ़ेंगे, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम क्या पढ़ेंगे इस पॉलन में, यानी कि किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किस तरह से पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण बनते हैं, और मेगा स्पोरोजेनेसिस में किस तरह से ओव्यूल का निर्माण होता है।
एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या थे, बहुत सारे स्टामेंस और ये स्टामेंस में तीन भाग होते हैं। पहला क्या हो गया फिलामेंट, दूसरा कनेक्टिव और तीसरा एंथर। अब इसी में क्या होता है, ये पॉलन साइट्स होते हैं, उन पॉलन साइट में क्या बनते हैं, ये पॉलन या इसको माइक्रो स्पोर्स है। उसी तरह से गाइनोसोर था, गाइनोसियम को हम कार्पेल यानी एक या एक से अधिक कार्पेल या पिस्टिल्स होते हैं और इसके भी तीन भाग होते हैं। पहला क्या होता है कि आपका स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं और उस ओव्यूल्स में क्या है, एम्ब्रियो होता है और उस यानी कि एम्ब्रियो साइट में जो इसके जो भाग है यानी कि यही हम लोग को पढ़ना है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी यही हम लोग को पढ़ना है कि उसमें यही अगर इसको पूरा बनाया जाए तो ये अच्छा होगा। यही क्या है, ऊपर जो तीन कोशिकाएं हैं उसको हम एंटीपोडल सेल कहेंगे, ये बीच का है पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा और ये जो नीचे की दो हैं उसको हम सिनर्जिक कहेंगे, सिनर्जिक सेल और इसको हम कहेंगे एक सेल। इसी का हम लोग को डेवलपमेंट पढ़ना है यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस और ये पॉलन का पढ़ना है यानी कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर्स का बनना यानी कि पॉलन ग्रेन्स का बनना और मेगा स्पोरोजेनेसिस का हम इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इस ओव्यूल की संरचना क्या है, मतलब ये ओव्यूल की संरचना क्या है और कितने तरह के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। यानी कि अगर इसको हम देखें तो ये आपका जलाशय हो जाएगा और ये हो जाएगा माइक्रो पाइप, चलाजा हो जाएगा, माइक्रो पाइप हो जाएगा, इसे न्यूसेलस हो जाएगा, यह हाइलस हो जाएगा। तो इनका किसी भी ओव्यूल में इनका क्या है, एक क्रम है यानी इनका एक पोजीशन है, उस पोजीशन के आधार पर जो ओव्यूल्स होते हैं वो छह प्रकार के होते हैं। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स, मतलब अगर टाइप पढ़ेंगे कि किसी भी ओव्यूल की क्या संरचना है और कितने टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। थैंक यू।